आप देख रहे हैं TNB। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार दुनिया के सबसे लंबे राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण कर रही है। दिल्ली जयपुर लालसोत और वडोदरा अंकलेश्वर से पहला चरण मार्च 2022 तक यातायात के लिए खुला होने की उम्मीद है, जबकि एक्सप्रेस वे के मार्च 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि एक्सप्रेस वे 1380 किलोमीटर लंबा होगा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक जाएगा, लेकिन अब हम इसे नरीमन पॉइंट तक ले जाने की भी योजना बना रहे हैं। उनके अनुसार यह परियोजना मार्च 2022 तक पूरी हो जाएगी और भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे खोलेगा। इसके साथ ही पहले ट्रक से मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी को तय करने में करीब 48 घंटे और कार से 24 से 26 घंटे लगते थे। गडकरी ने कहा कि अब दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी ट्रक से और कार से 12 से 13 घंटे की दूरी तय करने में लगभग 18 से 20 घंटे ही लगेंगे। राजमार्ग के राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों से गुजरने की उम्मीद है। गडकरी का मानना है कि इससे क्षेत्रों का विकास होगा और लोगों के लिए रोजगार के कई अवसर भी पैदा होंगे। एक्सप्रेसवे दिल्ली के शहरी केंद्रों को कॉरिडोर के लिए दिल्ली फरीदाबाद सोना खंड के साथ साथ जेवर हवाई अड्डे और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को मुंबई में एक स्पर के माध्यम से जोड़ेगा। आइए अब जानते हैं इस एक्सप्रेसवे के परियोजना का विस्तारित रूप क्या है। आपको बता दें, एक्सप्रेसवे जो 8 लेन एक्सेस नियंत्रित है, इसे यातायात की मात्रा के आधार पर 12 लेन एक्सप्रेसवे तक विस्तारित किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे रिसोर्ट, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, फ्यूल स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रक ड्राइवरों के लिए सुविधाओं जैसी सड़क के किनारे की सुविधाओं को मुहैया कराएगा। इसके साथ ही दुर्घटना पीड़ितों के लिए यह हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा के साथ साथ एक हेलीपोर्ट भी प्रदान करेगा, जो व्यवसाय के लिए ड्रोन सेवाओं का इस्तेमाल में होगा। राजमार्ग के किनारे 2 मिलियन से अधिक पेड़ और झाड़ियां लगाने की भी योजना है। इसके साथ ही अप्रतिबंधित वन्यजीव आंदोलन को सुविधाजनक बनाने के लिए राजमार्ग परियोजना एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी बनाई गई है। इसके अलावा इसमें 2 प्रतिष्ठित 8 लेन सुरंगें भी शामिल होंगी। इस परियोजना के परिणाम स्वरूप 320 मिलियन लीटर से अधिक ईंधन की वार्षिक बचत होगी और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 850 मिलियन किलोग्राम की कमी आएगी। इस परियोजना के निर्माण में 12 लाख टन से अधिक स्टील की खपत होगी, जो 50 हावड़ा पुलों के निर्माण के बराबर है। वह इस परियोजना के लिए 80 लाख टन सीमेंट की खपत होगी, जो देश की वार्षिक सीमेंट उत्पादन क्षमता का लगभग 2% है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना ने 50 लाख से अधिक श्रम दिवसों के काम के अलावा हजारों प्रशिक्षित सिविल इंजीनियरों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। इंतजार है तो बस अब उस एक्सप्रेसवे का, जिसका सपना और जिसका परियोजना केंद्र सरकार ने बनाया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।